नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो नए दिन की शुरुआत करते हैं नए व्लॉग के साथ। तो इस वक्त मैं हूँ अपने किचन में, तो भी मैं दिखाती हूँ आपको मैं इस समय सुबह सुबह कितने सारे बर्तन धो रही हूँ, कितने सारे बर्तन ये धुलने के लिए। और देखो किचन भी फैला हुआ है, अभी और भी बर्तन धोने हैं, ये देखो कितने सारे हैं। अभी मैं बताऊंगी आज सुबह सुबह इतने सारे बर्तन क्यों गए, क्योंकि वैसे मेरे इतने बर्तन होते नहीं। अभी थोड़ी देर में बताती हूँ आपको क्यों गेस्ट आए हुए और कौन आए हुए, अभी बताती हूँ आपको मैं। ये देखो पूरी टोकरी भर गई बर्तनों से धो लिया मैंने, और अभी देखिए अपना मैंने रसोई पूरी साफ कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता रही थी ना सुबह कि आज जो है बर्तन बहुत सारे धो रही हूँ मैं सुबह मॉर्निंग टाइम में, मेरे इतने बर्तन होते नहीं। लेकिन आज इतने बर्तन क्यों हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैंने इसलिए नहीं बताया कि जो मतलब गेस्ट आए हुए थे वो रेस्ट कर रहे थे, नाश्ता करके वो आराम कर रहे थे, फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं करा। अभी मैं बताती हूँ आपको कौन आए हुए, तो मिलिए कौन आए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरा भाई संदीप, जैसे कि आप लोगों को पता ही, आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा। और ये है जेरी, जो कि पोलैंड इंग्लैंड से आए हुए हैं। तो और मतलब मैं आपको बताऊंगी ये इतने मतलब इतनी जल्दी क्यों आए हैं यहाँ पे तो भाई इनसे पूछेगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश जो है बहुत ही हाई फाई इंग्लिश है, तो इनको समझ में नहीं आएगा। तो भाई इनसे पूछेगा वो इतनी जल्दी क्यों आए यहाँ इंडिया में। बहुत अच्छी बात है वो आए हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना, लोग मतलब इतना ज़्यादा उसका जो वहाँ से आना बहुत मुश्किल होता है, रेंट भी ज़्यादा होता है वहाँ का जैसे हमारे हिसाब से, तो हर कोई मतलब टाइम नहीं निकाल पाता। लेकिन इन्होंने निकाल लिया है टाइम यहाँ पर आने का, क्यों निकाला है? तो ये हमारे गेस्ट है, ये इतनी जल्दी क्यों आए हैं मुझे भी खुद मतलब वो हो रहा है, जानने की जिज्ञासा हो रही है। तो संदीप इनसे पूछेगा और ये बताएंगे कि इतनी जल्दी क्यों आए हैं। जेरी, संदीप पूछना। They want to know why did you come to, what did you like here in India? To mogę mówić po polsku, czy muszę po angielsku? Czy mogę na przykład powiedzieć pół po polsku, pół po angielsku? No. पोलैंड में नहीं बोलना है, ये पोलैंड में बोल रहे हैं, इतना तो मुझे पता है ये पोलैंड में, हाँ पोलिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, इतना मुझे पता है। इंग्लिश में बोलो, बहुत से लोगों को पोलिश लैंग्वेज नहीं आती ना। इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश। ओके, हेलो, I've come to visit India again because I like India. I've come to visit my friends. Thinking to make India my home as well. I've fallen in love. That's what it is. I like the food. और तू क्यों आए इतने जल्दी? I still like to visit lots of other places in India as well. It's a big country, so it will take time. But I've seen lots of. Documentaries and programs about India, and I'm interested to go and visit India anyway, the other parts of India as well. So sometime in the future. Now I'm just visiting my friends in Jaipur. Oh, thank you so much. आपने बताया, जिनको समझ में आ गया वो समझ लेना, जिनको नहीं आया उन्हें मैं बता दूँगी फिर अपने ब्लॉग के माध्यम से। और तू क्यों आया भाई इतनी जल्दी? मैं तो, मेरा घर है, मैं तो कभी भी आ जाऊँ, ये बताने की जरूरत कोई है? एक जब उठूँ तो रात को उठूंगा, सुबह मतलब तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसलिए आया क्योंकि इसके यहाँ ना दिल्ली में ना जो ये बाल दाढ़ी है ना जो इसने कटाए नहीं, वहाँ पर पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, तो इस चक्कर में आगे यहाँ सस्ते में होता है काम। तो इसीलिए ना फ्रेंड्स, आप लोग मुझे फॉलो ही नहीं कर रहे, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे। अरे मैंने बताया ही नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा भी सर एक यूट्यूब चैनल है, मैंने अपनी बहन से ही मोटिवेशन लेके, आप बोल सकते हैं आइडली, मैं उसको देखता था बहुत, एक साल दो साल पहले मैं उसको चिढ़ाता था, कुछ नहीं होने वाला है, तू करोड़पति बन गई, मकान ले लिया। फिर मैंने ये नहीं सोचा पैसे उसे, बट मुझे लगा मेहनत है, लगन है, तो मेरा भी इंटरेस्ट था जैसे वीडियोज़ बनाने में उसको। तो मैंने जब मैं लास्ट टाइम विजिट करा था जैरी के साथ, तो मैंने बोला नहीं मुझे भी इस बार ट्राई करना चाहिए, इसलिए नहीं कि पैसे कमाना, मेरा गोल है सिर्फ फर्स्ट है 100K सब्सक्राइबर सिल्वर बटन, उसके बाद है 1 मिलियन, और जब भी हो सकता है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मेरा चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ गाइस, वैसे मेरा नाम है संदीप पटवाल, तो आप सर्च करोगे संदीप कोई स्पेस नहीं, संदीप पटवाल _UK07, आप इवन संदीप पटवाल स्पेस डाल के UK07 लिखोगे तो मेरा चैनल का नाम आ जाएगा। तो गाइस जितना हो सके आप मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, उस पर बहुत सारी फनी वीडियोज मिलेगी आपको, आप हंस हंस के शायद पेट दर्द हो जाए, बट उसके मैं जिम्मेवार नहीं हूँगा और जो हंसाता रहूंगा, और जो बहुत दुखी होंगे ना दुखी, वो तो खुश हो जाएंगे। अब बाकी मैं इसका जो चैनल है, इसका लिंक, चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर करना। ये मत कहना कि मतलब मेरा भाई इसलिए वो कर रही हूँ, ऐसे कोई कुछ नहीं है, आप कर लेना गाइस, आप लोगों को तो तभी हम है,
आप लोगों तभी हमें और तभी सब कुछ है। तो आप जितने से जितना मुझे तो आप बहुत सपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, 100K पूरा करा। अच्छा, और मुझे ना करे, तुझे करे। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, वो तो उनकी। मुझे क्यों बोला तूने? मुझे जिसको प्यार करेंगे, जिसके वीडियो आपको अच्छी लगे। नहीं वैसे दोनों भाई बहन को करना, नहीं तो कॉम्पिटिशन हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई? ये जो बाल है ना तेरा, नाई क्या काटेगा, फिर मैं ही काटूंगी, सोच ले। अक्षय तो क्या खा रही है? अब लगाओ से हुआ है तेरा मामा। मेरे इसमें तो कोई साफ नहीं आ रही, सिर्फ लाइट को जला के और जो काली आ रही है। अब इस बात से कह रहे हैं फिट बॉल करा रहे। क्या क्या निकाले? वीडियो बनाने की तैयारी चल रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ए मेरे सामान रखते, इसमें संभाल के सारे जोड़ दो। हाँ जोड़ दो, सब एक साथ एक ही होता है। मामा देखा बोल रहे थे ना लग जाएगा। मेरा का है क्या? कितने का है? मैंने बोला था ना लग जाएगा, पता नहीं क्या करते रहते हैं। ऑन द रूम लाइट बड़े बड़े प्याज तो मतलब सारे छोटे ले जाएंगे बहन, तो बड़े कौन ले जाएगा? पानी का स्वाद लग रहा है, थोड़ा सा चला गया। प्याज भी बुझ जाती है, प्यास लग रही बेचारी लक्ष्मी को। लक्ष्मी को प्याज लग रही है बहुत ज्यादा। मोटर चला के जब जाड़ों में गुनगुनाता हूं पानी पी के, लक्ष्मी अब लेगी मोटी मोटी प्याजें। मोटी मोटी प्याज देखो ये पोहा दो देने के, पोहा बनाने के लिए तभी मेरे पास छोटे छोटे प्याज दिए। एक काम करो, छाट देना मेरे, कौन जाएगा आपका? तुम्हारे लिए जो छोटी छोटी इतनी छोटी मतलब खाना बिंदी जैसी, मैंने बोल तो दिया था, फिर दिमाग से उतर गई मेरे कट्टे में। अरे इसे यही लेने दो, यही लेने दो इसे, और क्या देंगे, यही लेगी ये। भैया देखा कितना गंदा लगेगा ना पूरा वो घूम के। ये लो, ये ले थैली, कल उनको नहीं लाएंगे आप पास। और कम भी बिक रही है कुछ, आप तो कम भी बिक रही है, नहीं तो कहाँ तीन दिन कहाँ रुक। आ गई सब्जी लेके, आज मैंने आना था पर फिर लेट हो गई, यहाँ पे टाइम लग गया। हाँ चलो सही करा, आज मैं रह गई। कितना पसीना हो रहा आपको है ना? बहुत पसीना होता है आपको है? नहीं दीदी को ज़्यादा ही आता है, दीदी को ज़्यादा ही आता है। फ्रेंड्स लक्ष्मी और जोशी दीदी जेरी से मिलने आए हैं। हेलो जेरी, सी इज माय फ्रेंड आल्सो लक्ष्मी। माय इंग्लिश इज नॉट बेटर बिकॉज इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। और इधर देखो अमन, बहुत टाइम बाद ही हमारा भतीजा है और काफ़ी टाइम बाद ही यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये स्टडी कर रहा है तो उसको टाइम नहीं मिल पाता आने का, तो आज बहुत टाइम बाद आया है। और अभी लक्ष्मी और दीदी भी आए हैं जेरी से मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स जो मेरा फ़ोन है ना बहुत हैंग हो रहा है, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है हैंगिंग की। कुछ चीज़ें नहीं आएगी तो समझ जाना फ़ोन ख़राब हो गया है। और लक्ष्मी कुछ कहो, बातें बातें करो। बस ये कि अब इंग्लिश में बोला, बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। मुझे नहीं आती, आई डोंट नो इंग्लिश, इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। तेरा क्या कहना है इस बारे में? यू नो इंग्लिश? यू नो आई डोंट नो। नेपाली में बोलते फिर राम लो लगे हो, इन्हें नेपाली हिंदी के साथ नेपाली भी सिखा दे। राम ब्रो लगे हो, राम ब्रो लागे, लागे क्या बोलते हैं? अच्छा लगा ना, नाइस। इंडिया इज नाइस, इंडिया इज नाइस, उमा इज आल्सो नाइस, बहुत अच्छा उमा, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उमा की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। जग जाएगा मतलब, ऑब्वियसली बोल दो ना। बाय, फिर मिलेंगे कल सुबह मेरे घर में, कल सुबह मेरे घर में, मेरा क्या मतलब, मेरे घर में मिलेंगे। Bye. In her room. In her room. Ah, okay. Where are you waiting? Sorry, in not in. At her room. At her room. This is my room. अब लक्ष्मी दीदी चल रहे हैं घर की तरफ, मैं भी आ गई नीचे। वो
पैसे दे दे पहले 35 रुपए तो देते जा प्याज के। कहाँ प्याज? ये ले तेरी प्याज, पहले प्याज तो दे दो। ये लो भाई 5 रुपए दे दो, दे रही हूँ, बाय।